बिना दवाई की नींद समस्या से मुक्ति, उसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती है। एक तो नींद आने में तकलीफ है, या नींद बीच बीच में उखड़ जाती है, फिर लगती है फिर उखड़ जाएंगी, या फिर एक बार उखड़ गई तो नींद लगती नहीं है, या फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, या फिर सुबह उठने के बाद में उनको फ्रेश नहीं लगता। इसके पहले मैंने नींद के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस दिए हुए, उसमें से थोड़ा सा मैं उठा लेता हूँ। अभी क्रक्स वो ये है कि आपके नींद के नींद जहाँ लेते हैं वो बेडरूम में, कमरे में एकदम डिम लाइट होना जरूरी है, एकदम डिम लाइट, आवाज़ बिल्कुल नहीं होना, टीवी की या बाकी कुछ भी आवाज़ वहाँ नहीं होना, पालतू जानवर आना जाना है, लोग आना जाना कर रहे वो नहीं होना, डिम लाइट है, और मोबाइल ऑफ करके आपको सोने का है, लेटने का है, और जब एकदम पूरी नींद आ रही है तभी लेटना है। आपको ये देखना है कि नींद के एक घंटा पहले ये जो एक्साइटमेंट देने वाली जो बातें हैं, लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फिर यूट्यूब है, या कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखना है, या मारधाड़ वाले कुछ पिक्चर देखना है, ऐसा कुछ भी एक घंटा पहले करने का नहीं है। एकदम शांत रहना है। कुछ भी यदि कुछ पढ़ना है, टाइम पास करना है, तो कुछ तो भी ऐसी पढ़ाई करो जो आपको नॉलेज देने वाली, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल नहीं होना, जो विचारों को चालना देंगी वो नहीं होना। तो फिर आप उसमें बहुत सीरियस कोई किताबें पढ़ सकते हैं जो बाकी समय आपको बहुत बोर लगती है, मगर जरूरी है पढ़ना। ऐसी हो सकता है कि महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो, जो भी कुछ आपको पढ़ना हो, और फिर आराम से लेटना है। पास में आपने एक अपनी डायरी और पेन रखना है सिर के पास। जब आप लेटे हो तो पूरा बदन रिलैक्स करके सोने का है, एकदम रिलैक्स, पूरा बदन छोड़ देने का है। जैसा शवासन में सोते हैं वैसा सोने का है। शवासन मतलब शव जैसा आसन, वैसा शवासन। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कम से कम 3 घंटा पहले आपका खाना खत्म होने को होना, नींद के 3 घंटा पहले। शाम का खाना एकदम हल्का होना है। शराब, स्मोकिंग, कॉफ़ी, टी, ये सब अवॉइड करना है 3 घंटा पहले। झगड़ा, झंझट, टेंशन वाली चीज़ें सब बंद। और फिर जब आप लेटे हो तो शवासन की अवस्था में लेटना है, बाजू में नोटबुक है, डायरी है, पूरा बदन रिलैक्स करके आप सो रहे हैं। और समझो आपको कोई विचार आ रहे हैं, दिन के विचार है, या कोई अधूरापन है कि उसको ये बोलना है, उसको वो बोलने का है, वो तो रह गया है, या उसके लिए वो एक्शन लेने की है, ऐसा कुछ भी आते हैं दिमाग में विचार, तो तुरंत वो कॉपी में लिख लेना है। वो जो डायरी है उसमें लिख लेना है कि कल ये काम करना है, कल वो काम करना है, मतलब ये है, ऐसा है। यदि विचार आते कि ये काम अधूरा है, वो काम अधूरा है, ऐसा जो भी काम करने की इच्छा, जो भी विचार आ रहे हैं, वो विचार यदि एक्शनेबल विचार होंगे, जिसके ऊपर अपने को एक्शन लेने की है, वो विचार डायरी में लिख देने का है, ताकि वो दिमाग में वो विचार चालू नहीं रहेंगे। और फिर आप एकदम लेटे, रिलैक्स होके, बाजू में हाथ रखने के ऐसे, और एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में, कमरे में अराउंड 25-26 डिग्री सेल्सियस ठंडी हवा है, मतलब एसी लगा हुआ है या ठंड है, बट विच इज़ कम्फर्टेबल, बहुत कम्फर्टेबल है वो। और फिर आराम से आप लेटे लेटे आपके श्वास के ऊपर, आपके नाक से जो श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो उसके ऊपर आपने फोकस करना है, श्वास के अंदर, कि वहाँ से ये नॉस्ट्रिल जो है उससे वो अंदर जा रहा है और आराम से बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है और आराम से बाहर जा रहा है, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, रिलैक्स पूरा होके। और वो फोकस करते करते आपने ये भी कल्पना करना है, कुछ समय के बाद में फोकस करने के कुछ समय बाद, हो सकता है कि 1 मिनट या 2 मिनट के बाद में, कि आप समुद्र के किनारे रेत में हो, एक लकड़ी आपके हाथ में है, और आपने वो रेत जो है उसके ऊपर 100 का आंकड़ा लिखा हुआ है। पानी की लहर आ रही है, समुद्र की पानी की लहर आई, लहर आ गई वो रेत के ऊपर आई, और वो 100 का आंकड़ा जो था उसको बहा के लेके गई, मतलब वो मिट गया। फिर वो पानी लेके मिट गया, वो आंकड़ा मिट गया है, फिर आपने लिखना है वहाँ 99। फिर पानी की लहर आ रही है और वो 99 जो लिखा था वो फिर वापस मिटा के लेकर जा रही है। फिर आप देख रहे हैं, फिर वहाँ खड़े हो, फिर 98, फिर वो लहर आ रही है और फिर लेकर जा रही है। आपका यदि वहाँ से ध्यान हट जाता है तो फिर
नाक के ऊपर नॉस्ट्रिल जो है वहां ध्यान रखना है कि श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर बाहर अंदर बाहर, रिलैक्स रहना है एकदम रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स करके। और आपको ऐसा कोई विचार आ गया कि जिसके ऊपर एक्शन लेना है, सडनली एक विचार आ सकता है, तुरंत आपने वो नोट डाउन करना है, मतलब दिमाग खाली होना, कंप्लीटली दिमाग खाली होने का। जब दिमाग खाली रहता है आपका तो हो सकता है कि फिर धीरे 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 रिलैक्स होकर विचार शांत हो जाएंगे और आपको नींद आ जाए। समझो आपको 15 मिनट से ज़्यादा समय हो जाता है कि नहीं नींद नहीं आ रही है, तो फिर उठ जाने का है, कुर्सी में बैठना है, फिर कुछ पढ़ाई करो, फिर से कुछ रीडिंग करो जो आपको मतलब अच्छा लगता नहीं है, मगर पढ़े तो अच्छा है, नॉलेज मिलेगा, तो वो पढ़ने का है। एंटरटेनमेंट नहीं, मारधाड़ वाला कुछ देखने का नहीं, कुछ ऐसा कोई CID वाला कोई प्रोग्राम देख रहे ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी दिमाग को टेंशन देने वाले कोई प्रोग्राम नहीं है। और फिर जब नींद लगती है तो फिर लेटने का है। ऐसा नहीं है कि आप करवटें बदल रहे इधर से उधर उधर से उधर, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, नींद नहीं आ रही है। समझो ऐसा विचार आ रहा है कि नींद नहीं आ रही है, तो सोचना है ठीक है नींद नहीं आई, समझो रात भर नींद नहीं आई तो क्या फर्क पड़ने वाला, क्या होगा बुरे से बुरा क्या होगा, समझो नींद नहीं आ रही तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। कल हो सकता है कि काम में तकलीफ हो जाएंगी, दिन में थोड़ा सा सो लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा समझ लो और लेट जाओ। फिर ध्यान उधर भटक गया तो फिर वो ये ठीक है, नहीं आई नहीं तो नींद नहीं है। अपना ध्यान कहाँ देने का है कि 100, 99, 98, 97, मतलब एक तो उसमें, या फिर कोई विचार भटकता है तो श्वास के ऊपर रिलैक्स, और एक आधा एक्शनेबल एक्सेस आती है तो लिख लेने का है एकदम रिलैक्स, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कल करेंगे भाई वो काम जो भी करना है वो कल करेंगे। पूरे विचार आपको वो डायरी में लिखने का है जो भी आ रहे हो, ताकि दिमाग खाली हो जाएंगे और खाली दिमाग आपको नींद देगा, बदन रिलैक्स करते हो थोड़ा सा ऐसा लगा तो उठ के लिख लेना है कि जो ने मेरे को, अरे उसको फ़ोन करने का है, रह गया वो कल करेंगे तो लिख लो, उसके उस साथ में वो बातचीत करने रह गई थी चलो लिख लो, या कल पढ़ाई करने चलो लिख लो, ऐसा करना है। तो ये आप करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, रिलैक्स आपको लगेगा और एक कुदरती नींद होगी, क्योंकि गोली खा के कितनी दिन गोली खाएंगे, नींद की गोली आप खाते हो नींद के लिए तो हर 21वें दिन, मतलब 21st डे, 21वां दिन जो रहता है 21वां, तो 21वें दिन पे आपको डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि तब तक वो क्या होता है टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, तो वो डालने के लिए आपको कुदरती नींद आना जरूरी है। और कुदरती नींद के लिए आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपको, ये अच्छा लगा वीडियो, लोग आपको लगता है कि नहीं ये जिनको प्रॉब्लम है उनको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।